राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। आज मैं सुनाऊंगी मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात वरुथिनी एकादशी के बारे में तो बता दिया, अब आप कृपया करके वैशाख शुक्ल एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी कथा बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। मैं कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। राजन, आप कृपया करके सुनिए। एक समय श्री राम जी ने गुरुदेव जी से पूछा, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है, जबकि आपका नाम लेने से और नाम जाप करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, लेकिन फिर भी आपने जो लोक हित के लिए उत्तम प्रश्न पूछा है उसे मैं अवश्य बताऊंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस व्रत को करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूट कर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं कथा कहता हूँ। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी में धुतिमान नामक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से पूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा और नारायण भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊल, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेघावी, सुकृति, घृष्टबुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्टबुद्धि महापापी था। वह भगवान को नहीं मानता था, पूजा पाठ नहीं करता था। वह वेश्या दुराचारी मनुष्यों की संगत में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ वे भोग विलास करता था। मांस मंदिरा आदि का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को बर्बाद करता था। इन्हीं कारणों से परेशान होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकल जाने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना जीवन बिताने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वो भूख प्यास से परेशान, अति दुखी होकर परेशान रहने लगा। जब उसे कोई सहारा नहीं मिला तो चोरी करने लगा। एक बार पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ा गया तो राजा ने उसे कारागार में डाल दिया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। वह नगर से निकलकर वन में चला गया। वहां अन्य पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। कुछ समय बाद वो बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से परेशान होकर वह खाने की तलाश में घूमता घूमता हुआ ऋषि कौंडिन्य के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा में नहाने गए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि के से हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं, आप इन पापों से छूटने का कोई साधन बताइए जिसमें धन खर्च नहीं करना पड़े। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे इस जन्म के ही नहीं
अनेक जन्मों के भी पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और मुनि के कहे अनुसार किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और वह अंत में गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह, पाप आदि नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ और कोई व्रत नहीं है। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय।